अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम इन योर पीसी, इन योर लैपटॉप एंड हाउ टू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम इन योर लैपटॉप, कि हम अपने लैपटॉप से परमानेंटली किसी भी प्रोग्राम को डिलीट कैसे कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और अगर हमने कोई न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू प्रोग्राम डाउनलोड करना हो नेट से तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल पर जाना होगा। देखिए, जो भी चीज़ आपको चीज़ डिलीट करती है ना, तो वो मतलब सपोज अगर मैं ये यहाँ पे एक फाइल है, ये एम पीसी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखिए, आपके कीबोर्ड पे डिलीट का बटन होगा, उससे आप डिलीट करते हैं, या माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे ये डिलीट का बटन, ऐसे जैसे भी आप डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो गई। देखिए, यहाँ से तो गायब हो गई, लेकिन ये आपके सिस्टम से नहीं गई। इसी तरह कोई भी प्रोग्राम आप डिलीट करेंगे तो आप सिस्टम से नहीं जाएगा, वो जाएगा रिसाइकल बिन पे। देखिए, रिसाइकल बिन में आपके पास एम बशीर के नाम से एक फाइल पड़ी है। अब मैं रिसाइकल बिन को एम्प्टी करूंगा तो देन वो जाके यहाँ से डिलीट होगी। जैसे अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डिलीट करता हूँ तो फिर ये परमानेंट डिलीट होगा। अगर रिस्टोर करता हूँ तो ये वापस चला जाएगा। या अगर मैं इस एम्प्टी बॉक्स रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करके इसको एम्प्टी करता हूँ तो फिर यहाँ से जो भी डिलीट होगा वो कभी मतलब परमानेंटली वापस नहीं आ सकेगा। तो अब आपने क्या करना है, मेरी ये फाइल इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे जाके इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो मैं इसको रिस्टोर करता हूँ और ये देखो वापस अपनी पहली वाली पोजिशन पर आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब हमने प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्च करना है यहाँ पे कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल पे जाके आपने यहाँ पे प्रोग्राम्स को सर्च करना है, डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, आपने यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे, सॉरी, कंट्रोल पैनल पे जाके आपने सर्च करना है प्रोग्राम्स, किधर गया है, ये प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। और जितने भी आप, जिस तरह मोबाइल में आपके ऐप्स इंस्टॉल होते हैं ना, वैसे यहाँ पे आपके कंट्रोल पैनल में जितने भी आपके प्रोग्राम इंस्टॉल हुए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे सिस्टम में अभी जो जो प्रोग्राम है वो ये है जो यहाँ पे इंस्टॉल है। अगर मैंने किसी को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, सपोज मुझे स्काइप को डिलीट करना है तो मैं स्काइप पर जाके क्लिक करूँगा और यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दो। वो पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यस यस करेंगे तो अनइंस्टॉल हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो नहीं होगा। मैंने यस कर दिया, आर यू श्योर वांट टू, दोबारा से पूछेगा करना चाहते हैं तो यस, नहीं करना चाहते तो नो, यस। स्काइप वाज सक्सेसफुली रिमूव्ड फ्रॉम योर कंप्यूटर, ओके। देखिए, यहाँ से भी लिस्ट से भी गायब हो गया। ठीक है, इस तरह आपने कोई भी प्रोग्राम आपने अनइंस्टॉल करना है तो वो ऐसे होगा। जैसे अगर आपके पास पुराना टाइपिंग ट्यूटर पड़ा है तो आपने यही ऐसे ही कंट्रोल पैनल पर जाके प्रोग्राम फीचर्स में जाके वहाँ से अनइंस्टॉल करना है। अब आ जाए कि हमने नया टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, तो हम गूगल, आप ओपन करें गूगल बादशाह, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो डाउनलोड टाइपिंग मास्टर लिख रहे हैं, ये ट्विटर लिख रहे हैं, ये देखें टाइपिंग मास्टर 2002 आ गया, इसको कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो यहाँ से आप अपने, जैसे ये सेकंड टाइपिंग मास्टर 2002, इसको राइट क्लिक करके न्यू विंडो पे ओपन कर लेते हैं। टाइपिंग मास्टर टू इज डब्ल्यू, यहाँ से आपने फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, फ्री डाउनलोड ऐड आ गई, इसको क्लोज कर दें, डाउनलोड फिर लर्न टू टाइप, टाइपिंग मास्टर 10 फॉर कंप्यूटर टच मास्टर, टेक अ फ्री वीक टच टाइपिंग कोर्स, फ्री डाउनलोड। डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 10,
कैसे डाउनलोड किया, तो ये देखे डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये देखे डाउनलोड हो गया। इसको फिर मैंने अब ओपन करना है। यस इंग्लिश, यस इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। वेलकम टू आवर मास्टर सेटअप विजार्ड। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। नेक्स्ट, ये आपका कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, सी प्रोग्राम फाइल्स टाइपिंग मास्टर, यानी कि सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में और टाइपिंग मास्टर 10 के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पे सब्सक्राइब है उस पर क्लिक करें, साथ ही बेल का आइकन है उस आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें। फिनिश, ये आ गया मेरे पास टाइपिंग मास्टर 10। ये आप अपना नाम एंटर करें, लॉन्च करते हैं। ठीक है, बाकी आप इसमें देख लीजिएगा टाइपिंग ट्यूटर में क्या से काम करना मीनिंग दिया। ये टाइपिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम में। मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से राइट क्लिक कर क्लोज करता हूँ। यस, इस तरह ये इंस्टॉल हो गया। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में आपने सीखा कि आप हाउ टू अन इंस्टॉल और डिलीट एनी प्रोग्राम फ्रॉम योर लैपटॉप फ्रॉम योर सिस्टम एंड हाउ टू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम इन योर लैपटॉप और इन सिस्टम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।